अच्छा, 12वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की चिंता अब हुई खत्म, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था अब की बार 90 पार का जो मिशन है उसमें आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन से मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा। 6 पेपर यहां पर दे रहा हूं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 5 से 6 पेपर आप कंप्लीट कर लो, पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा और 6 फरवरी के दिन टॉप कर लो, ठीक है। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे बढ़िया से। चलिए, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं, तो यहां पर 20वीं पर ऑप्शन राइट लगा दिया मैंने, 25वीं एकदम राइट है। मोहन नहीं आने वाला, इस वाक्य में निपात शब्द क्या है? तो नहीं, इसमें निपात शब्द है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3 माने गए, शब्द अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार और उभयंग अलंकार। अधिकाल के कवि चंद्रवर दाई आ जाएगा। उषा का जो अर्थ होता है वो है भोर, ठीक है। दंगल, देखिए ध्यान से देखना आपको, यहां से दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के जो कवि है वो है जायसी। माँ बच्चे को हवा में लोका देती है, ठीक है, क्या देती है? लोका। तो देखिए यहां पर आ जाएगा लोका, लोका मतलब उछालना, जैसे खुशी से उछालना ना बच्चे को, जैसे इसे इस तरीके से ना। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया, अमेरिका। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वार्णिक छंदों में गण होते हैं, ठीक है। कोलू का बेल, कोलू का बेल इसका मतलब है दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन, समाचार लेखन का जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जाएगा वो होगा भक्ति काल, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, दिन का पंथी जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद जाएगा रुबाइया, ठीक है भैया। यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि यही प्रश्न आएंगे और 100% श्योर है। एफ तक पेपर बता रहे हैं, 6 पेपर, उनको आप कंप्लीट जरूर करिएगा, है ना। जिसको वास्तव में चाहिए वो तो पढ़ेगा, जिसको वास्तव में नहीं चाहिए वो वीडियो छोड़ के जा सकता है ना। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? कथात्मक शैली। ठीक है, कथात्मक शैली। अब अगला है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली है वो आपकी, सॉरी यहां पर क्या था, ये कथसूत्र रूप में कही गई बात जाएगा, कथात्मक शैली नहीं रहेगा, ये होगा भाव पल्लवन, है ना, भाव पल्लवन, ठीक है भैया। चलिए अब ये यहाँ पर फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होगी कथात्मक शैली। मोहन जोदड़ो नगर कितने 1000 साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन की में फूलता है? 15 से 20 दिन में।
सत्य असत्य देखते हैं, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेड तक स्कूटर से जाते थे, असत्य बात है, पैदल जाते था पैदल, ठीक है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, ये तीसरा जो है आपका, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है क्या, ये आपका असत्य रह जाएगा। कवित्त जो है एक वार्णिक छंद है, तो ये आ जाएगा आपका, कवित्त छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है, ये बात आपकी सत्य रहेगी। पांचवा जो है, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य रहेगा। छठा जो, बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर छह देखिए, बाजार का जो जादू है वो किस राह व कैसे काम करता है। झोपड़ियों में से किस तरह की आवाजें आ रही थी, सीरीज के फूल फलों को मजबूत क्यों कहा गया है। भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है। भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। क्वेश्चन नंबर ये आठ देख लीजिए, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। लोगों ने लड़कों की टोली को कौन कौन से नाम रखे थे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो नौ है, ठीक है, जिसके बाद में आपको अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ से देखिए, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए दो निपात शब्द लिखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये तेरह देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा से इनमें नींदों से जाग रहे हैं। आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है। भाषा की इसको सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 16 है, इसके बाद अथवा है, ये ध्यान से देखिएगा आप, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 है, कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, महादेवी वर्मा तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय, भाव विस्तार कीजिएगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं है, आपके लिए विशेष यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो आपके लिए विशेष ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। ये देखिए, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं अगले वीडियो से आपको, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा रह गया, उसमें शेष वो बच्चों पे लिखा के पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, आप तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन।